Hi, my name is Tejpal Patel and I follow Ricky Chadda on YouTube. मित्रों साथियों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर से मैं अब हाल ही में मैंने एक वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने 5 तारीख और 6 तारीख, ये दोनों में थोड़ा सा ये कुछ लोग बोलते हैं 5 तारीख, कुछ 6 तारीख बोल रहे हैं, राहु नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, यानी कि वो रोहिणी से, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, वहां से सूर्य के नक्षत्र कृतिका में प्रवेश करेंगे। हमें यह समझना है कि इस नक्षत्र के परिवर्तन से क्या होने जा रहा है। वैसे तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं हर एक लग्न, हर एक राशि के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं राहु क्या है। हम सभी जानते हैं कि राहु इससे पहले रोहिणी नक्षत्र में था और इस वक्त वो वृषभ राशि में है, जिसके स्वामी हैं शुक्र। तो आज की तारीख में शुक्र और चंद्रमा ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है जो चंद्रमा का है और जो राशि है वो है शुक्र। अब जब 5 तारीख को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है शुक्र तो रहेंगे, क्योंकि अभी भी वो वृषभ राशि में ही रहेंगे, लेकिन जब वो कृतिका नक्षत्र में जाएंगे तो कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो होंगे सूर्यदेव। अब हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के साथ में राहु एक अच्छी परिस्थिति में नहीं रहते हैं, ये ग्रहण योग भी कहलाया जाता है। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि कृतिका नक्षत्र क्या होता है। कृतिका नक्षत्र को देखा जाता है, उनका जो चिन्ह है या उनका जो सिंबल है वो है रेजर ब्लेड, शार्प वेपन, ट्रांसफॉर्मेशन। इस जगह से राहु का भ्रमण करना, और राहु इस नक्षत्र में फिर रहेंगे, 3 पदा वृषभ राशि में है और 1 पदा उनकी मेष राशि में पड़ती है। तो पहले तो 3 पदा वो, क्योंकि हमेशा बकरी चलते हैं, तो 3 पदा वो कवर करेंगे 12 अप्रैल तक। 12 अप्रैल से लेकर के जून तक फिर वो कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन वो मेष राशि में, यानी कि अप्रैल से लेकर के जून के मध्यम तक वो फिर आप देखोगे कि वो कृतिका नक्षत्र में ही है, लेकिन राशि चेंज हो जाएगी और राशि चेंज होकर के वो मेष राशि में जाएंगे, जिनके स्वामी हैं मंगल। अब अगर मैं बाहर से देखने की कोशिश करूं तो ये नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है ये हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। राशियों में जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि आप देखिए, ये एक काल पुरुष की कुंडली है। नंबर ये हमेशा मेष राशि यहाँ पे दिखाई जाती है, लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, रात के 12 बजे की जो कुंडली बनी थी उसमें हमारा जो भारत का, हमारे देश का जो की जो हॉरोस्कोप है, कुंडली बनी थी, उसमें आप देखोगे तो वही लग्न है जो आज, जिसमें राहु भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि वृषभ लग्न है। ठीक है, अगर मैं राहु को यहाँ पे ले आऊँ, मतलब 2 नंबर को यहाँ पे ले आऊँ, तो ये जहाँ पे मैंने 2 टिक डाला है इसको मैं यहाँ ले आऊँगा, स्वाभाविक सी बात है। होगा क्या? होगा ये कि ये जो मिथुन, ये जो तुला राशि है, जब इसको मैं 6ठे घर पे ले आता हूँ तो 6ठा घर क्या है? 6ठा घर बताता है बीमारियां, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि हमारा मार्केट कैसा रहेगा, छुपे हुए दुश्मन ये दिखाता है, कंपटीशन दिखाता है। अगर भारत की मैं बात करूं तो इसको ध्यान में रखते हुए और नक्षत्र में जो परिवर्तन हो रहा है वो यहां पे हो रहा है। ठीक है, हमें ध्यान रखना होगा कि 2 चीजों पे ध्यान हमें देना होगा कि वो कौन से 2 ग्रह है जो इस टाइम पे प्रभाव डालेंगे। पहले शुक्र, क्योंकि वो राशि स्वामी है, दूसरे सूर्य, क्योंकि वो नक्षत्र स्वामी है। तो आप देखोगे सूर्य की जो राशि है वो ये है, और जो शुक्र की राशि है वो ये और सातवीं। अब भारत की कुंडली बनाने पे वो लग्न पे आकर के ये जो है वो 6ठे घर में आ जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो
नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है ये आपके लिए इंडिविजुअल के लिए क्या प्रभाव डालेगा, इसे जानने के लिए अपनी कुंडली में देखिए आपका शुक्र और आपके सूर्य क्या वो नीच के तो नहीं है, क्या वो बुरी परिस्थिति में तो नहीं है। ऐसा होने पर थोड़ी सी तकलीफ आपको आ सकती है इस परिवर्तन से, वरना आपको आपके लिए टाइम ये समय बिल्कुल मॉडरेटली गुजर जाएगा। चले फिर इस चीजों को समझने के बाद हमें आगे देखते हैं कि हर एक लग्न राशि पे इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। मैं इस वीडियो में टाइम स्टैम्प नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं हर राशियों पे हर लग्न पे बहुत ही दो लाइन की बात कर करके इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि जो मेन प्रभाव पड़ने वाला है मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। थोड़ा सा आपको इस टाइम पे मेरा साथ निभाना होगा, इसे हम देखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों चले देखते हैं कि सभी लग्न वाले और जो मून राशि है उनके बारे में। और मैं आपको इतना बता दूं कि पहली बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये मून राशि से देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शन है तो उसे चंद्रमा से देखना ही ज्यादा लाभकारी होगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज गोचर में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप लग्न से देखिए, लेकिन यहां पे नक्षत्र बेस्ड है तो इसे आप चंद्रमा से जरूर देखिएगा। अब आते हैं हम लोग अलग अलग राशियों पे। उससे पहले मैं बता दूं कि राहु की एक नेचर है कि राहु थोड़ा सा वो कहते हैं ना, जो हम पहले बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही रिबेलियस है, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है, वो पुरानी रीति रिवाज को तोड़ना पसंद करता है, इस तरह का वो है। तो बहुत लोग बाहर निकल के आ सकते हैं, बहुत जिस तरह का वातावरण बन रहा है हमारे देश में और विदेश में भी, आप देखिएगा ये राहु काफ़ी कुछ करवाने जा रहा है जैसे ही वो इस नक्षत्र में उतरेंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं हम के सबसे पहले मेष राशि। अब मैं राशि की बात कर रहा हूँ, मेष राशि वालों के लिए ये क्या है, आपने जितना भी धन अब तक बचा के रखा था उसे आपको खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि वो पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया तो वो आपको तकलीफ में डाल सकते हैं, आपके फैमिली में कुछ लोगों से मतभेद हो सकते हैं। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप फैसले कर रहे हैं इस वक्त, वो फैसले थोड़े से गलत पड़ सकते हैं, इसलिए फैसला लेते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा गिरता जा रहा है, आपको थोड़ा सा अपने आप को खड़ा करना होगा और आपको लोगों को का सामना करना होगा, क्योंकि अदरवाइज ये चीज़ आपको तकलीफ में डाल सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। यहाँ पर आपको पता होगा कि राहु जो है वो आपके ही राशि पे से गुजर रहे हैं, वैसे हम कहेंगे कि ये पहले घर से ही चल रहे हैं। ये एक अच्छा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसी बीमारी भी परेशान कर सकती है जिसका समाधान या जिसको डायग्नोस या जिसका पता डॉक्टर भी लगा नहीं पाएंगे कि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो। सकता है कि ये बीमारी आपको वैसे तो ना हो लेकिन साइकोलॉजिकली दिमाग में आपने कुछ बिठा के रखा हुआ है। अपने माँ बाप से, अपने धर्मपत्नी से, पति से, अपने बच्चों से, अपने यारों से, सभी से किसी ना किसी तरह का मतभेद आपका होगा और वहाँ पे टेंशन पैदा हो रही है, इसीलिए आपको बिल्कुल खामोश रहना है इस वक्त। आपकी पर्सनालिटी भी जो है वो भी और आपके पास में जो लोग हैं, जिस तरह का वातावरण है वो भी आपको काफ़ी कुछ आपके लिए इतना अनुकूल नहीं है। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को समझना होगा कि मिथुन राशि के ये 12वें घर पे राहु आकर के बैठ रहे हैं, जो बिल्कुल ही आपके लिए समय अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी सेहत का तो है, लेकिन उसके अलावा अपनी पत्नी का, पति का, जो मतलब आपके जो जीवन साथी है उसके बारे में भी, उनकी हेल्थ के बारे में विचार करें। यहाँ पर भी राहु अगर तकलीफ दे रहा है तो डॉक्टर भी नहीं पहचान पाएंगे कि बीमारी एक्चुअली है क्या, ज़्यादातर वो साइकोलॉजिकल इशू ही हो सकता है, क्योंकि राहु और इल्यूजन डिल्यूजन साइकोलॉजी आती ही आती है। आपने ख्याल मेरे ख्याल से कुछ दिनों में आराम बिल्कुल नहीं किया, आपके बॉडी को आराम की सख्त आवश्यकता है। आपको कुछ सपने ऐसे आ सकते हैं जिसमें आपके पूर्वज और ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दें
या फिर आपको ऐसा किसी चीज़ों से डर लगे कि किसी जगह पे चले जाओ, आपको लगे कि भैया इस जगह पे जो एनर्जी है वो मुझे सूट नहीं कर रही है, इस तरह की पॉसिबिलिटी लगती है यहाँ पे। हर लिहाज से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पीरियड रहेगा जब तक राहु इस जगह पे गोचर कर रहे हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए समझना होगा कि 11वें घर से भ्रमण हो रहा है आपकी राशि से, तो यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि तीसरे घर से, छठे घर से, 11वें घर से जब भी राहु भ्रमण करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय होता है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर राहु 11वें घर में है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जिस तरह की प्रगति आप चाहो उस तरह की प्रगति देने के लिए राहु पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको मित्रों का, साथियों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का, सब जगह का आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आपकी सेहत अगर थोड़ी सी गड़बड़ भी थी वो अच्छी हो रही है। आप के सामने कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसका आपको पूरी तरह से फ़ायदा उठाना ही चाहिए। अगली राशि है जो है सिंह राशि। सिंह राशि को के लिए मैं इतना बता दूं कि क्योंकि ये आपके 10वें घर से भ्रमण कर रहे हैं राहु और कृतिका नक्षत्र में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है आपको। वहीं पर आप देखोगे तो आपके माता पिता के लिए भी ये समय अच्छा नहीं, क्योंकि जो चौथा और 10वां घर है वहाँ पर उसमें माता पिता का विचार किया जाता है, इसलिए पिता के साथ में थोड़ी दूरी बन सकती है आपकी और पॉसिबल है। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तकलीफें आ सकती है, पैसों को लेकर के थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पैसों की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं पर हेल्थ को लेकर के भी कुछ इश्यू आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस वक्त कुछ अगर बहुत महत्व के फैसले हैं तो उसको थोड़ा सा टालने की कोशिश करो, या अगर टाल नहीं पाओ तो कुछ किसी बड़े बुजुर्ग की आप सलाह लेना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये आपके नवम स्थान से यानी कि 9th हाउस से गुजर रहे हैं राहु। हम जानते हैं कि राहु यहाँ पर, राहु वैसे भी उनकी एक फितरत है कि वो धोखाधड़ी, अपने आप उनकी रियल पर्सनालिटी को कोई पहचान नहीं पाता, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर ये 9वें घर में है तो आपके जो गुरु है, आपके जो पिता हैं, आपके पिता के समान जो लोग हैं, आपके आपको जो एडवाइस करते हैं, इस वक्त उनसे ही परेशानी आपको होने जा रही है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसी एडवाइस वो आपको दे दें, उनकी भी गलती नहीं है, और जिससे उस एडवाइस से आपको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो किसी की भी एडवाइस लेने से पहले आप थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है, क्योंकि राहु 5वें घर को देखेंगे 9th हाउस से, तो वहां पर भी आपको तकलीफ आ सकती है। आपकी आपके जीवन साथी के साथ में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, और जिसके वजह से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा, या आपको इस तरह के विचार आपके दिमाग में उत्पन्न हो सकते हैं। गलत रास्ते पे चलना या गलत रास्ता अपनाना, कुछ पैसे बनाने के लिए या कुछ काम निकालने के लिए ऐसा मन में विचार आए तो वो विचार को थोड़ा सा नीचे बनना तकलीफ आ सकती है। तुला राशि, अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि आप देखिए, आपके 8वें घर से राहु भ्रमण कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 8वें घर से आपको राहु अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके परिवार में, खानदान में, जान पहचान के लोगों में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर आ सकती है। और आप देखोगे तो यहाँ पर राहु आपकी सेहत को, आपके पैसों को, आपके रिलेशनशिप को, हर चीज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी ऐसी वो कहते हैं ना कि आपका ऐसा किसी चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए जिसमें आपका नाम खराब होने के चांसेस भी हैं, तो आप थोड़ा सा शांति बना के रखो इस टाइम पे, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब। हाँ, लेकिन जो लोग थोड़े बहुत यू नो
ऑकल्ट में हैं या जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में है, रेकी में है, उनके लिए समय थोड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि राहु इस जगह पर उस तरह की एनर्जी कैरी करता है। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के सातवें घर से भ्रमण कर रहे हैं राहु, नक्षत्र रहेगा कृतिका। अब यहां पर आपको पता है कि अगर वो इस राशि में है तो बिल्कुल सामने उनके जो राशि है वहां पर केतु बैठे हुए हैं। अब सॉरी, केतु इस राशि में बैठे हुए हैं, राहु सामने वाले घर में, तो आपके लग्न में केतु बैठे हुए हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसलिए हम बोलते हैं ना आर्ग्यूमेंट, क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरह की बातें आपके जीवन में आ सकती है, इससे आपको बहुत सावधान रहना होगा। बिजनेस में भी सातवां घर जो बिजनेस का है उसमें भी लॉस हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पति या पत्नी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, तो आपको हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि घर को छोड़ करके आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ये भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है। पैसों को लेकर के भी बड़ी किल्लत होने की संभावना है। तो वैसे स्कॉर्पियो के लिए समय अच्छा है, लेकिन ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है आपका। अब आते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, तीन ऐसे वीडियो जिसमें बता चुका हूं कि आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे वक्त की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा वक्त आपका आ रहा है। यहां पर आप देखिएगा राहु आपके छठे घर से भ्रमण करने जा रहा है, और मैंने कहा था तीसरा घर छठा घर और ग्यारहवें घर से जब भी राहु भ्रमण करते हैं आपके लिए समय बहुत अच्छा होता है। यहां पर राहु जितने भी आपके दुश्मन हैं, थे, कभी रहे होंगे, उनको निकाल निकाल करके आप उनको पछाड़ रहे हो, सबका खात्मा कर रहे हो आप, बिल्कुल लाइक अ फाइटर आप आगे बढ़ रहे हो और सबकी तो आप में उस तरह की क्षमता भी आ रही है कि आप सबसे लड़ पा रहे हो और सबको जो जवाब आप नहीं दे पा रहे थे उनको बिल्कुल उनके चेहरे पर जाकर के उनको जवाब देके लौट के आ सकते हो आप। अगर कुछ बीमारियों ने आपको घेर रखा था तो वो बीमारियां भी आपकी दुरुस्त हो रही है, अच्छा समय आ रहा है आपके लिए बहुत। कुछ लोन्स हैं, कुछ कर्जे हैं, वो भी निपटा रहे हो आप, बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, ये बहुत ही अच्छा समय है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को इतना समझना होगा कि आपके ये पंचम स्थान से यानी कि पांचवें घर से भ्रमण कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र में। पांचवा घर जो है आपका रोमांस का है, शेयर मार्केट का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, यहाँ पे ट्रबल आएगी, मेंटल टेंशन होगा, पैसों का लॉस होगा, और खास करके अगर आपने शेयर मार्केट में खेला तो लॉस होना ही होना है। डिप्रेशन हो सकता है और पर्सनालिटी में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ सकती है। आप कुछ इस तरह का रास्ता अपनाने की कोशिश करोगे, ऐसे विचार आएंगे कि मैं थोड़ा सा पैसा ऐसे नहीं तो ऐसे बना लूं, अगर उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़े, इस तरह का विचार अगर आता है तो विचार को थोड़ा दूर रखिएगा, वरना ये आपको बहुत नाम खराब कर सकता है आपका फिर ये आगे जाकर के। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये चौथे घर से भ्रमण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी सेहत का है ख्याल रखना है, एक्सीडेंट्स का ख्याल रखना है, फैमिली में किसी की का देहांत ना हो जाए, दूर भी हो सकते हैं व्यक्ति, उनका देहांत आपको सुनाई पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से लेकर के या गाड़ी से लेकर के किसी तरह का कुछ फैसला इस टाइम पे मत कीजिएगा, ये सही वक्त नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी कहीं पे कोई फंसी हुई है तो इस टाइम पे उसको थोड़ा सा बैक बर्नर पे रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वरना वो परेशानी बढ़ सकती है आपके लिए। आखिरी राशि जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए तीसरे भाव से राहु का भ्रमण होना कृतिका नक्षत्र में बहुत 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 अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको डिसीजन मेकिंग में ज़बरदस्त हेल्प करने वाले हैं। आप जहाँ जहाँ पे आपकी गाड़ी अटक रही थी वो गाड़ी आपकी अभी आगे बढ़ रही है, इनकम आपकी बढ़ रही है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो सोसाइटी में, रिलेशनशिप में, हर जगह पर आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था 12 की 12 राशियों पे मेरा विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा
और इसे अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ साझा कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।